हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से मैंने ऑलरेडी 8 वीडियो इसी चैनल पे अवेलेबल करा चुका हूँ, जो कि बहुत ही शानदार वीडियो होगा आप लोगों के लिए। तो घबराए नहीं, हंसते खेलते पढ़िए, नो टेंशन। टेंशन लेकर के कोई बड़ा नहीं हो गया है, इसलिए आप लोग खुशी खुशी पढ़िए। और मैं यह बता दूँ कि यह वर्डनिंग क्लास का 8 वीडियो होगा और यह वीडियो 12th लेवल तक का होगा, जो कि मैंने 12th क्लास के रेनबो बुक से लिया हूँ। यह वर्ड मीनिंग सारा रेनबो बुक का मैं वर्ड मीनिंग को छांट कर इस पेपर में लिखा हूँ और आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। तो ज्वाइनिंग करते हैं इस लेसन को। जैसे रेनबो, जिसे हम हिंदी में कहते हैं इंद्रधनुष, क्या कहते हैं? इंद्रधनुष। रेनबो को हम हिंदी में इंद्रधनुष कहते हैं हिंदी में। तो फोर वर्ड यानी फोर वर्ड, इसका हमने प्रोनाउंसिएशन यहाँ दे दिया, ये हुआ वर्ड प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग। क्लियर? तो फॉरवर्ड यानी प्रस्तावना या भूमिका, प्रीफेस मीन्स प्रस्तावना या मुख्य बंध, कंटेंट्स विषय सूची, प्रोज जिसे गद्य कहते हैं, और कहानी पोएट्री कविता, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, जो कि रेनबो बुक का फर्स्ट लेसन है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि 12th लेवल तक का है। उसी 12th लेवल के रेनबो बुक से मैंने ये सभी वर्ड मीनिंग छांट कर लिखे हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। पॉपुलरली यानी लोकप्रिय। नौ, जानना या जानता। एज के रूप में, जैसा या चूंकि। फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता क्या कहते हैं हम इंग्लिश में? फादर ऑफ द नेशन। मोर ए देन बी, बी से ज्यादा ए। मैं कहूंगा मोर ए देन बी, बी से ज्यादा ए। मोर सी देन ए बोलेंगे तो क्या होगा कि ए से ज्यादा बी, इस तरह से मैंने कहा करूंगा। पॉलिटिशियन इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने यहाँ लिख रखा है, पॉलिटिशियन। राजनेता को मैं क्या कहता हूँ इंग्लिश में? पॉलिटिशियन। सक्सेसफुली जिसे हम सफलतापूर्वक कहते हैं। यूज प्रयोग, उपयोग करना, जिसे हम यूज कहते हैं। क्लियर? ट्रूथ सत्य या सच्चा, ये बोलते हैं। नॉन वायलेंस अहिंसक, क्योंकि महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया था, इसलिए उसके लेसन से नॉन वायलेंस भी हम लोगों को वर्ड मीनिंग के रूप में मिला और उनका मैंने मीनिंग भी बताया, जो हिंसक होता है। चीफ मीन्स मुख्य या प्रमुख। वेपन हथियार। अगेंस्ट के विरुद्ध या के खिलाफ, जैसे होते हैं ब्रिटिश रूल यानी अंग्रेजी शासन। तो ब्रिटिश रूल यानी अंग्रेजी शासन। हेल्प मदद करना। गेन पाना या प्राप्त करना। इंडिपेंडेंस जिसे हम स्वतंत्रता या आज़ादी बोलते हैं, जो जिस तरह मैंने हम लोगों को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, उसी तरह उस आज़ादी को मैं कहेंगे इंग्लिश में इंडिपेंडेंस। From one till two, एस एक से दो तक। Completely पूरी तरह से, पूर्ण रूप से। Dominate यानी हावी होना, छाए रहना। Politics राजनीति और डाई मरना। इस तरह से मैंने सम्स वर्ड मीनिंग देखा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। और आप लोग जब इंग्लिश पढ़ते समय इस वर्ड का जब यूज़ करेंगे तो देखिएगा बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत मज़ा। तब आप, और जब तक आपको याद ना हो जाए तब तक इस वीडियो को बार बार देखते रहिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को इतना ही पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग इस वीडियो।